राजधानी देहरादून में सरकारी अधिग्रहित वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण का एक गंभीर मामला सामने आया है। बता दें कि ये भूमि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचनाओं के अनुसार 11 अक्टूबर 1952, 29 जून 1953 और 3 सितंबर 1953 के तहत अधिग्रहित की गई थी। इन अधिसूचनाओं में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया गया था कि कौन कौन सी भूमि सरकार के अधीन रहेगी। इसके बावजूद कुछ भूमाफियाओं ने इन वन भूमि को धोखाधड़ी से निजी व्यक्तियों को बेचकर पंजीकृत कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम क्याटकुली भट्टा, चलांग, अंबारी, डंडा जंगल, रुद्रपुर आदि की भूमि जो 11 अक्टूबर 1952 की उत्तर प्रदेश राजपत्र अधिसूचना के अनुसूची 2 में सूचीबद्ध है, ये भूमि ना तो बेची जा सकती है और ना ही किसी निजी व्यक्ति द्वारा खरीदी जा सकती है। बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के 2009 के सिविल अपील नंबर 7017 में दिए गए फैसले में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि 11 अक्टूबर 1952 की गजट अधिसूचना एक महत्वपूर्ण कट ऑफ तिथि है, जिसके बाद किसी भी वन भूमि की बिक्री या खरीद अवैध मानी जाएगी। इसके बावजूद राज्य सरकार की अधीनस्थ एजेंसियों, राजस्व विभाग, वन विभाग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इन सरकारी और वन भूमि पर अवैध निर्माण और बिक्री की अनुमति दी है। ये न केवल वन संरक्षण की दृष्टि से आपत्तिजनक है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति और जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल रहा है। वहीं अब इस विषय को लेकर अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी का कहना है कि इस गंभीर मामले को लेकर सीएम धामी, वन मंत्री और अन्य अधिकारियों को एक औपचारिक शिकायत भेजी गई है, जिसमें तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। इसके आगे उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि सभी भूमि रिकॉर्ड की समीक्षा कर वन भूमि पर अवैध खरीद बिक्री और निर्माण कार्यों पर तुरंत रोक लगाई जाए, साथ ही दोषियों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारी प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित किया जा सके। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। नमस्कार, ये आज हमने एक जो प्रकरण खोला है ये एक 11 अक्टूबर 1952 में एक गजट नोटिफिकेशन आया था, जिसके अनुसार देहरादून के कई गांवों की जमीन रिजर्व फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के अंतर्गत निहित हो गई थी। तो ये गजट जो आया था पूरे यूपी के लिए आया था, तो यूपी के विभिन्न कई शहरों में आया, तो उसमें से देहरादून है। इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो इन्होंने वेस्ट जो जमीन नॉर्थ शैल बी वेस्ट, उसका इन्होंने उनके एकड़ और गांव के नाम दिए हैं, और उसके अनुसार उनको छोड़ के बाकी सारी की सारी जमीन सरकार में नहीं हो गई, फॉरेस्ट में नहीं हो गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट 2021 आया कि इन ज़मीनों में ना तो ये किसी सरकारी डिपार्टमेंट में भी जा सकती हैं, ये फॉरेस्ट में ही रहेंगी। और इसी में एक यूपीजेड के अंतर्गत उसमें कट ऑफ डेट लिखी है 8/8/1946 कि इसके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और सेल डेट एनीथिंग विल बी वॉइड, वो शून्य मान जाएंगे। अब आप देखिए मसूरी से नीचे जो नगर पालिका क्षेत्र है, जो 1952 के टाइम पे जो था उसको छोड़ के जितना भी है, और कैलकुली भट्टे में 10,000 बीघा ज़मीन छोड़ के बाकी सारी की सारी फॉरेस्ट में नहीं हो गई। तो अब ये जो बाहर के भू माफिया और रिजॉर्ट जो ये बनाए हुए हैं, सब एक तरीके से शून्य है, उनका कोई मालिकाना हक नहीं है, कुछ नहीं है। और इसमें जैसे आपका ढाक पट्टी, आपका पौंदा, आपका जाखंड, आपका झड़ी पानी, आपका बाला वाला नपरौंदा, आपका ऋषिकेश का ये चकजोगी वाला, राय वाला, बहुत, और विकास नगर में कई हैं। तो ये ऋषिकेश से लेके विकास नगर, विकास नगर से लेके मसूरी तक देहरादून का पूरा क्षेत्र इसमें कवर होता है। तो ये अब हमने सरकार से जो ये निवेदन किया है कि इनकी खरीद फरोख्त पर आप तुरंत रोक लगा दीजिए। धन्यवाद।